रहा है आपको यहाँ पे ना बहुत पिछले ना बहुत ज्यादा पिछले गिरूंगा पक्का 100% गिरूंगा अगर फिसल गया तो। एडवेंचर नहीं चाहिए रहता हमें पता नहीं है यहाँ का रास्ता इसलिए गोपरो लेने जा रहा था और मेरा पैर फिसला अगली बार से नहीं जाऊंगा ऐसी जगह फंस गया वहाँ पे। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग ऑल वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं अपनी फुल एनर्जी के साथ वापस आ चुका हूँ एक बार फिर से और आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल भाभी सैनी व्लॉग्स पर। ये बोलना भूल गया था मैं जब अब बोल रहा हूँ और आज मैं पता नहीं इतना खुश क्यों हो रखा हूँ इतना खुश मैं बता ही नहीं सकता आपको। कोई खुशी वाली बात भी नहीं है कुछ अच्छा भी नहीं हुआ मेरे साथ ना कुछ बुरा हुआ है फिर भी पता नहीं इतनी खुशी हो रही है हंसने का मन कर रहा है बहुत तेज तेज। रास्ते का भी नहीं पता हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना वही वाला सीन जो हर व्लॉग में होता है हमारे साथ। लेकिन इस बार हम लोग अपनी प्लेस पे जरूर जाएंगे जरूर। अगर नहीं गए तो ये व्लॉग नहीं डालूंगा क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत आ चुकी है मेरे पास कि भाई यार आप लोग तो वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाते हो व्लॉग डाल देते हो अपना। लेकिन इस बार तो मैं ज़रूर वहाँ पर पहुँचूँगा और तभी डालूंगा ये व्लॉग उससे पहले नहीं डालूंगा। और आज का मौसम हर दिन की तरह बहुत ही अच्छा रियली जनरली बता रहा हूँ आज बहुत ही अच्छा है। ये देखो आप खुद ही देखो यार है ना है बहुत अच्छा। सो आज फिर से हम लोग एक हिडन प्लेस जाने वाले हैं और ये जरूर एक्सप्लोर करेंगे 100% आई एम श्योर मेरी कसम खा के कह रहा हूँ। लुक एट द व्यू गाइस अभी से इतना अच्छा व्यू दिखने लगा है तो आगे जाके क्या ही होगा। और वो पहाड़ है उधर भी और उसके पीछे बादल ऊपर वादल क्लियर नहीं दिख रहा लेकिन मुझे पता नहीं क्यों खुशी हो रही है आ रही हमारे साथ। देख भाई पता है क्या होने वाला है अभी थोड़ी देर में हम लोग जा रहे हैं ना वो रास्ता बंद मिलेगा 100% कुछ ना कुछ होगा क्योंकि जिस दिन हम लोग खुश रहते हैं ना उस दिन कुछ ना कुछ बुरा तो होता ही है हमारे। इस बार भी कुछ होगा पक्का होगा 100% ये मुझे अंदर से आभास हो रहा है। ओ हेलो ब्रो वेट अभी ऐसे नहीं निकाल सकते ना ये तो दिक्कत हो जाती है ऐसे मोड़ पे ओवरटेक नहीं कर सकते। अब देखो कैसे ओवरटेक करता है तुम्हारा भाई सॉरी अभी करूँगा ना रुक तो जाओ 2 मिनट नहीं हो रहा है क्या अरे कहाँ से चल रही है अरे यार मोड़ दा ठीक है निकलता हूँ ये वाली जगह हम लोग पहले भी आ चुके हैं एक बार आए थे हम लोग ट्यूशन के टूर पे आए थे हम लोग हाँ ट्यूशन के टूर पे और उस टाइम पे थोड़ा सर्दियों का मौसम था इतनी हरियाली नहीं थी लेकिन अभी वाह क्या मौसम है ना। वाह अभी पानी नहीं आ रहा है यहाँ पर बारिश बंद हो गई ना बहुत दिनों से पड़ी नहीं है यहाँ पर इसलिए पानी नहीं और अभी मौसम ना यार बहुत ही बढ़िया हो चुका है बहुत ही ज़्यादा। अभी घर पे मुझे लग रहा था कि यार बारिश ना हो जाए आपको दिख रहा अब शुरू में जब ब्लॉग देख रहे होगे आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि बारिश का मौसम हो रहा है जैसी बात का डर था कि बारिश ना हो जाए और बारिश अगर हो जाती तो हमारा सारा पैन चौपट हो जाता फिर से दोबारा से हमें फिर अगली बार आना पड़ता और ये वाला ब्लॉग भी हमारा कंप्लीट नहीं होता। लेकिन अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया है धूप आ गई है हमारे मतलब का मौसम हो गया है और अभी बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं यहाँ के हर जगह के यार। वाओ मैन वाओ इधर का देखना व्यू कितना बढ़िया लग रहा। So, कैसी लग रही है आपको ये जगह कैसी लग रही है अभी तो हम लोग वहाँ पहुँचे भी नहीं है पहुँचेंगे अभी थोड़ी देर में और ये प्लेस मिली थी हमें मतलब पुल है छोटा सा ब्रिज है और ब्रिज से बहुत ही बढ़िया व्यू दिख रहा है तो सोचा कि आपको दिखा दें हम लोग यहाँ पर रुक के और बहुत ही अच्छा है यार बहुत अच्छा सच में बहुत अच्छा। 1 मिनट देखते हैं भाई यहाँ की फोटो वोटो तो ले ली है
अब यहाँ से आगे को चलते हैं, हमें लग रहा है कि ये वाला रास्ता जा रहा है। ये को पत्थर। अभी हमें पता लग गया है किस रास्ते पे जाना है किस रास्ते पे नहीं जाना। पहले हम लोग थोड़ा सा भटक गए थे, वहाँ चले गए थे हम उस वाले रोड पे, उधर वहाँ पर रोड है एक, वहाँ चले गए थे गलत रास्ते पे, बिल्कुल अपोजिट था वो रोड, वहाँ पर चले गए थे। लेकिन अभी हमें पता लग गया है कि हमें किस रोड पर जाना है किस रोड पर नहीं। सो और वो भी किसी ने बताया था पूछने से, अगर हम लोग नहीं पूछते ना तो भाई हम लोग तो चले जाते कहीं आगे, पहुँच जाते फिर वाटरफॉल, फिर से वही वाला सीन हो जाता ना पहुँचने वाला। तो अभी तो हमें पता लग गया है और ये ब्यूटीफुल प्लेस दिखी हमें, तो सोचा कि यार यहाँ का थोड़ा सा व्यू ले लिया जाए और दिखाया जाए आपको। बस अभी मेन प्लेस पे जाएंगे थोड़ी देर में, जब ज़्यादा देर नहीं है, थोड़ी सी देर है बस। ये वाला पुल, अब यहाँ से हम लोग को जाना है लेफ्ट। अगर आप भी कभी आओ यहाँ पर तो इस रेड पुल से लेफ्ट को कटना है, ठीक है? ठीक है। यही है वो रास्ता, मिल चुके हैं गाइस, हमें वो रास्ता मिल चुका है। यही पर, और मेरे ख्याल से यहाँ से ऊपर जाके जाना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर चढ़ के। अभी यहाँ से हम लोग, हमने बाइक ऊपर खड़ी कर दी है उस साइड में, और अभी हमें उस साइड में जाना है ऊपर ऊपर। और मुँह यार बहुत ख़राब हो गया था, क्योंकि रास्ते में बहुत ही ज़्यादा धूल थी, बहुत ही ज़्यादा। तो हमने सोचा कि पहले मुँह हाथ धो लेते हैं ताकि फ्रेश लगे, चेहरा अच्छा लगे, ठीक ठाक लगे, और उसके बाद चलते हैं यहाँ से ऊपर आगे। यहाँ से धोएंगे, बिल्कुल क्लीन पानी यार, बिल्कुल क्लीन पानी। अभी पहुँचने नहीं वाले, अभी टाइम है थोड़ा पहुँचने में। और यहाँ से लैंड स्लाइड हो रखी है भाई, लैंड स्लाइड हो रखी है। यहाँ रुकने के लिए भी है भाई, वहाँ मेरे ख्याल से रिजॉर्ट टाइप है, बढ़िया बना रखा है। जो भी है, रुकना चाहो तो रुको, नहीं रुकना चाहो तो कोई बात नहीं, घूम के चले जाओ। अंदर घूम के जाने वाले भाई, यहाँ मैं पत्थर दिखा दूँ, यह है प्रतिबंधित क्षेत्र, मतलब यहाँ जाना मना है। क्यों? क्योंकि वेयर इज, आगे होगा यहाँ पर लिखा हुआ प्रतिबंधित क्षेत्र, मतलब ये वाला रास्ता है, आगे होगा वो कहीं। ओह वापस गिर गया, बट ठीक है भाई, ऐसे गिनना है मुझे तो। अरे कह रहे पत्थरों पत्थरों में जाके उधर सोते हैं रास्ता। हमें ना इस पुल पे आना था, इस पुल पे, इस रास्ते से आना था इस पुल पे, लेकिन हमारा ऐसा दिमाग चला हम लोग वहाँ से आए, क्योंकि रास्ते का नहीं पता ना हमें, इसलिए वहाँ से आए हम लोग। बट अब तो पता लग गया है, और इधर से ये बहता आ रहा है, और उस जगह पर है हिडन प्लेस जो हम दिखाने वाले हैं आपको। थोड़ा मेरी हालत को इग्नोर करना, क्योंकि चल फिर के आया हूँ। सो अभी पहुँच चुके हैं, बस 1 2 3 एंड यही है वो जगह जहाँ हम आपको दिखाने वाले थे, जो कि हम कहते हैं हिडन प्लेस है, और सच में हिडन प्लेस ही है ये भाई। बहुत ही कम लोग आ रखे थे यहाँ, बहुत ही कम, मतलब गिनती के वो जो हमें रास्ते में मिले थे ना लड़के लड़कियाँ, सिर्फ वही थे, उनके अलावा कोई भी नहीं था। और सच में भाई ये हिडन प्लेस है, और बहुत ही बढ़िया जगह है। ये देखो ये नीचे जाने का रास्ता है, यहाँ से, यहाँ से नीचे चले जाओ या यहाँ से चले जाओ तो बिल्कुल चलेगा, लेकिन नीचे से तो नहीं जा सकते क्योंकि पानी आ रखा है, और ऑफकोर्स वहाँ से नहीं जा सकते वहाँ से, लेकिन वहाँ पर काई है, तो देखते हैं अभी नीचे जाना है कि नहीं जाना है। बाकी ये तो प्लेस बहुत बढ़िया है। तो मैं तो यहाँ पहुँच गया, लेकिन भावेश ऊपर ही रह गया, वो वहीं पर ही है। यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, मैं तो पता नहीं कैसे ही पहुँचा, लेकिन मैं पहुँच गया।
मैं बता नहीं सकता भाई, चेक दी व्यूज गाइस, ये देखो ये देखो। और लिटरली मैं यहाँ से आया हूँ, इस साइड से मैं आया हूँ, ये साइड पूरा फिसलने वाला सीन है, पूरा काई काई। भाई सच बताऊं बहुत ही खतरनाक रास्ता था ये, वहाँ पर सही लिखा हुआ था प्रतिबंधित क्षेत्र, क्योंकि ये सच में बहुत खतरनाक रास्ता, क्योंकि मैं गोप्रो लेने जा रहा था अभी अंशुल से, क्योंकि अंशुल नीचे था, अंशुल भी ऊपर आ गया अभी आया, अभी बहुत मुश्किल में आया, गोप्रो लेने जा रहा था और मेरा पैर फिसला और मैं इत्तू इत्तू सा बचा भाई, इत्तू इत्तू सा। अंशुल की कहीं और नजर ही, मतलब मेरी तरफ ही देख रहा था, लेकिन मैं फिसलने ही वाला था, जैसे अंशुल ने देखा बच गया भाई मैं। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? और हाँ एक चीज़ और, ये वीडियो हमने पूरी कंप्लीट करी है, ये वाला जो हिडन प्लेस है आपको पूरी दिखाई है हमने फुल, ये नहीं कि हम लोग आधे रास्ते तक गए और वहाँ से वापस आ गए, नहीं ये वीडियो हमने पूरी दिखाई है। और अब इस वीडियो का एंड करते हैं, पिछली वाली वीडियो में भी ऐसे ही एक ब्यूटीफुल प्लेस के साथ हमने एंड किया था अपनी वीडियो का, और आज भी पूरी पूरी खुशी के साथ ये वाली वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये हिडन प्लेस पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और दबा के शेयर करें, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो पे, वीडियो बनाने के लिए, और थोड़ा सा खतरा माहौल भी लिया है यार, तो इतना तो बनता है यार, शेयर कर दें, अपनी स्टोरीज़ पे लगा दें, इंस्टा स्टोरीज़ पे, व्हाट्सएप पे लगा दें, और लाइक ज़रूर करें प्लीज़। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो मतलब लाइक करते हैं वीडियोज़ को, तो आप लाइक ज़रूर कर दें, एक लाइक, वन लाइक। ओके बाय बाय।